बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने कराम, हमने पिछली नशिस्त में ये सीखा कि ज़कात का माना और मफहूम क्या है। अब हम ज़रा ये देखने की कोशिश करते हैं कि ज़कात की हिकमतें क्या हैं। अल्लाह पाक ने ज़कात क्यों फ़र्ज की, ज़कात क्यों दी। अल्लाह की बाकी इबादत भी हैं, तो इस हर इबादत का कोई ना कोई रब्बे कायनात ने हिकमत इरशाद फरमाई, ज़कात की हिकमत क्या है। तो फरमाया, लोगों, ज़कात जब बंदा अदा करता है तो उससे इंसान को दो तरह के बेसिक फवायद हासिल होते हैं। पहला फायदा, उसको उखरवी बरकत हासिल होती है कि रब्बे कायनात के हुक्म की पैरवी के इवज अल्लाह करीम उसको आखरत में बरकतें अता फरमाता है। दूसरा फायदा, उसकी माल की बरकत होती है, उसकी माल में अल्लाह पाक वुस्सत पैदा फरमाता है, उसमें बढ़ोतरी आती है और अल्लाह उसको पाकीजगी अता फरमाता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में रब्बे कायनात ने फरमाया कि ऐ महबूब, इनके अमवाल से जक़ात वसूल करके इनको पाकीजा कर दीजिए, यानी इनके माल से जक़ात लीजिए ताकि इनका माल पाकीजा हो जाए। इसी तरह रब्बे कायनात, अब माल बेसिक, अब इंसान है, इंसान के मुतल्लिक अल्लाह पाक ने सूरह अलक में फरमाया आयत नंबर 9 में कि ये इंसान जो है ये सरकश हो जाता है और वो समझता है कि इसे किसी की परवाह नहीं है। तो फरमाया, अगर माल बढ़ जाए, उस ज्यादा माल हो जाए, तो इंसान जो है वो फिर फिस्को फजूर में पड़ जाता है, फिर इंसान आपे से बाहर हो जाता है, वो भूल जाता है। इसकी मिसालें आप बड़ी देख रहे हैं। आप देख लें, आज का हुक्मरान, आज के मालदार, आज के दौलतमंद, जो गरीब को समझते ही कुछ नहीं है, वो समझते हैं हम ही सब कुछ हैं, उनके नजदीक गरीब की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें एक थैला आटे का देकर वो तुम्हें जर खरीद गुलामों से भी बदतर रख रहे हैं, जो जमाना जाहिलियत में होता था, और तुम्हारे असबाब पर वो काबिज होकर वो आज हुक्मरानियां कर रहे हैं, अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, वो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। ये क्या वजह है? इस माल ने उनके अंदर गरूर पैदा कर दिया, तकब्बुर पैदा कर दिया, बुग्ज़ पैदा कर दिया, इंसानियत के साथ हमदर्दी को खत्म कर दिया। तो फरमाया, अगर इसकी ज़कात निकले, वो अपने माल से जब ज़कात निकालेगा तो उसकी माल के साथ मोहब्बत कम होगी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बदले में अल्लाह और उसके रसूल के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ेगी। जब मोहब्बत बढ़ेगी तो फिर रब्बे कायनात उसके अंदर हसद पैदा नहीं होने देगा, बुग्ज पैदा नहीं होने देगा, क्योंकि एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती, या अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रहती है या दुनिया की मोहब्बत रहती है। अब ये फर्क करने के लिए जरूरी ये है कि बंदा ज़कात अदा करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगो, ज़कात अदा करो। ज़कात की अदायगी के जरिए सबसे पहला काम ये होता है कि मुसलमानों पर शफकत का हाथ आ जाता है। जब बंदा एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी की मदद करता है, उसको कपड़े देता है, उसको खाने को कोई अनाज दे देता है, कोई उसको रहने के लिए उसकी मदद कर देता है, नकदी में उसकी मदद करता है, अपने माल की ज़कात निकाल कर, तो फरमाया इंसानों में शफकत पैदा होती है, उनकी दिल में उस शख्स की इज्जत पैदा होती है, फिर नफरतें नहीं बढ़ती, मोहब्बतें पड़ती हैं और मुआशरे से बदअमनी और बदनज़्मी खत्म हो जाती है, जिसका आज हमारा मुल्क पाकिस्तान शिकार है। इसकी जरूरत है कि अगर हम ज़कात अदा करें, लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करें, गुराबा को अपने साथ मिलाएं, तो फिर ये अफरा तफरी नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, बदअमनी नहीं होगी। हमें इस पर अमल करना होगा ताकि हम आका अलैहिस्सलाम के अहकामात पर अमल करके जिंदगी और आखिरत में कामयाब हो सके।